तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो चलो यार, ऑर्गेनिक के डे 12 पे आते हैं गाइस। बहुत क्लोज आते जा रहे हैं अपने सीरीज के एंड में। तो आज का लेक्चर भी आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेजफुल रहेगा। तो चलो यार, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे गाइस आज के लेक्चर में मार्कोनिकोव रूल के बारे में। बहुत सिंपल सा रूल है, देखो क्या कहता है मार्कोनिकोव रूल। इन केस ऑफ अनसिमिट्रिकल अल्किन्स का मतलब कि अनसिमिट्रिकल अल्किन का मतलब गाइस सिंपल सा होता है, आपको बताया भी हुआ है मैंने एक बार, कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अटैच हो तब उसको बोलते हैं अनसिमिट्रिकल अल्किन। जैसे देखो ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के इस कार्बन से एक कार्बन कनेक्ट है और इससे एक भी नहीं कनेक्ट है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम कनेक्ट हो इन कार्बन से, जैसे इसमें अगर एक कनेक्ट है इसमें जीरो कनेक्ट है, अगर इसमें दो होते और इसमें एक होता, तो मतलब जब डिफरेंट डिफरेंट कार्बन कनेक्ट हो तो उसको बोलते हैं अनसिमिट्रिकल अल्कीन। अगर इधर भी अगर CH3 लगा होता, तब ये सिमिट्रिकल अल्कीन होता, तब क्या होता सिमिट्रिकल अल्कीन। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं अनसिमिट्रिकल अल्कीन में। मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, इन केस ऑफ अनसिमिट्रिकल अल्किन्स नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग स्पीसीज ज्वाइन विद ए कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। कि जो अनसिमिट्रिकल अल्किन में जब हम अटैक कराते हैं किसी स्पीसीज का, जब हमने मान लो HBr का अटैक कराना है अल्किन में, तब गाइस याद रखना मार्कोनिकोव रूल ने बताया था कि नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट होगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो उस कार्बन से नेगेटिव पार्ट कनेक्ट होगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और पॉजिटिव पार्ट फिर जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो उधर कनेक्ट होगा। इसको आप वैसे भी अगर आपने GOC की हुई है तब भी आप आराम से देख सकते थे कि इसको मतलब मार्कोनी को भाई साहब ने बस GOC के कंसेप्ट को यूज करके एक रूल दिया था। देखो जैसे आपको पता है कि HBr में एच पॉजिटिव होता है और Br पे नेगेटिव साइन आता है, तो आपको पता है H पॉजिटिव फॉर्म में होता है, Br नेगेटिव फॉर्म में होता है HBr में। अब देखो Br को अगर हमें कनेक्ट कराना है, Br को कनेक्ट कराना है तो मतलब इधर पॉजिटिव चार्ज अपने पास होना चाहिए। अब देखो और H को भी अटैक कराना है, तो देखो बताओ जैसे हम सिंपल से समझाऊं तो बताओ कि देखो इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है कि इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में से बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल है, बोलो। पॉजिटिव चार्ज सिंपल सी बात है इधर ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, सिंपल सी बात है। तो 2 डिग्री इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर आना चाहिए कि मतलब, और ये भी इस तरीके से भी देख सकते हो, दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि जैसे इधर नेगेटिव चार्ज हो इधर नेगेटिव चार्ज हो, तो नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज कहां ज्यादा स्टेबल है इधर, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोनायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोनायन। पहली बात इतना क्लियर है, इससे हमें क्या पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज इधर ज्यादा स्टेबल है। आपको बस एक थोड़ा सा मेथड बता रहा हूं कि आप कैसे याद रख सकते हो, कि आप अभी कभी भूल भी जाओ मार्कोनी रूल, कि अगर हमें नेगेटिव पार्ट कहां लगाएं पॉजिटिव पार्ट कहां लगाएं, तो आपको एक कंसेप्ट याद रहे क्योंकि GOC आप कर चुके हो, तो आपको पता लगा कि जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आए और नेगेटिव चार्ज इधर आए, तब सब स्टेबल चीज बनेगी। पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इधर ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज इधर, मतलब कहने का मतलब यह था जो डबल बॉन्ड था जब ये स्प्लिट होगा तब पॉजिटिव चार्ज इस पे है, नेगेटिव चार्ज इस पे। अब बस सिंपल सी बात है, अब आपको पता है कि H कहां कनेक्ट होगा, H इधर कनेक्ट होगा क्योंकि H पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव अटैकिंग स्पीसीज कहां कनेक्ट होती है, नेगेटिव पे, H इधर कनेक्ट हो जाएगा और Br नेगेटिव इधर कनेक्ट हो जाएगा, Br नेगेटिव इधर कनेक्ट हो जाएगा, यही बस मार्कोनी को हमने बताया था। इसलिए उसने यही बोला कि नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट होगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। क्यों बोला, क्योंकि जहां गाइस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वो इनडायरेक्टली हमें क्या बता रहा है कि उस कार्बन से मिथाइल या अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे हुए हैं, जिस कार्बन में हाइड्रोजन लेस होंगे वो हमें इनडायरेक्टली क्या बता रहा है
कि जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम होंगे इसका मतलब उससे अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे होंगे, और जिससे अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे होंगे उसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उधर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगी, उधर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगी। इस करके जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए नेगेटिव पार्ट उधर कनेक्ट होता है, इसलिए नेगेटिव पार्ट उधर कनेक्ट होता है। यही बस हमें मार्कोनिकोव ने बताया था, सिंपल सी स्टेटमेंट। वैसे टीचर ऐसे ही बता देते हैं कि आपको बस इतना पता, ऐसे ही बता देते हैं कि मार्कोनिकोव ने क्या कहा था कि नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट होगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। लेकिन मैं सोचा कि आपको एक बार बता दूं कि अगर बाय चांस आप कभी मार्कोनिकोव रूल भूल गए, के लाइन भूल गए कि नेगेटिव कहां कनेक्ट करना, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ये तो रट्टा मारना पड़ेगा, क्रैमिंग करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा मैं आपको सोचा कि बता दूं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है इसका समझ आ गया होगा, क्योंकि अब आपको मैं जीओसी करा चुका हूं, जीओसी करा दिया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको पता लग गया, क्लियर है कि नेगेटिव पार्ट क्यों कनेक्ट होगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, उसका रीजन पता लग गया, क्योंकि जब नेगेटिव जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उधर अल्काइल, उसका मतलब क्या इंडायरेक्टली हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है कि उधर अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे होंगे, और जहां अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे होंगे उधर जहां जिस कार्बन से अल्काइल ग्रुप ज्यादा लगे होंगे मतलब उस कार्बन पे अल्फा, मतलब उस कार्बन के अकॉर्डिंग अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उस, तो उधर जिस कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा कनेक्ट होंगे उधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल इधर था, इस करके पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव स्पीसीज अटैक करती है तो पॉजिटिव पे नेगेटिव अटैक हो जाएगा, दैट सिंपल। तो ऐसे आप इसको वैसे भी याद रख सकते हो, बस मैंने आपको कंसेप्चुअल लेवल पे थोड़ा बताने की कोशिश की है कि नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट होगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो देखो नेगेटिव पार्ट अपना ए है, तो नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकोव ने क्या बताया था, नेगेटिव पार्ट कनेक्ट होगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो इन डबल बॉन्ड में देखो इधर दो हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन है, तो जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे नेगेटिव पार्ट उधर कनेक्ट हो जाएगा। देखो दो रीजन, दो चांस है ना, या बी आर नेगेटिव को हम इधर भी लगा सकते थे, बी आर नेगेटिव को इधर भी लगा सकते थे। मार्कोनिकोव ने यह बताया कि देखो दो दो केस पॉसिबल हैं कि एक बार बी आर या तो इधर लग जाए या तो बी आर एक बार इधर लग जाए, ठीक है, बी आर या तो एक बार इधर लग जाए और एक बार बी आर इधर लग जाए, तो इनमें से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा वो मार्कोनिकोव रूल ने बताया, जो कि हम जीओसी में भी कंसेप्ट कर चुके हैं, जीओसी का ही कंसेप्ट यूज हुआ है इसमें, क्यों इधर, इसने फिर इसलिए बताया कि जो नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट होगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो तो इधर कनेक्ट होगा, तो ए अपना मेजर प्रोडक्ट है और ए अपना माइनर प्रोडक्ट है, दैट इज मार्कोनिकोव रूल। मतलब ए गाइज अप्रोक्सीमेटली आपका 90% बनता है, ए आपका 90% बनता है और ए आपका 10% बनता है, तो ए अपना मेजर प्रोडक्ट होता है, ए अपना माइनर प्रोडक्ट होता है, ए अपना माइनर प्रोडक्ट होता है। तो बस यही मार्कोनिकोव रूल ने बताया था कि नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट होगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, दैट सिंपल, ठीक है। अब देखो गाइज एंटी मार्कोनिकोव रूल भी आता है, एक एंटी मार्कोनिकोव, जैसे नाम से क्लियर हो रहा है कि ओपोजिट होगा मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव रूल के ओपोजिट होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल मतलब ओपोजिट टू द मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल ने क्या बताया था कि नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट होगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो ये बिल्कुल उससे उल्टा काम करता है कि नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट होगा, जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। और गाइस इसमें एक चीज ये याद रखनी है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल कब कहां किस केस में शो होता है, अकर व्हेन, देखो अकर व्हेन दो बार लिख दिया व्हेन, देखो अकर व्हेन ओनली, अकर व्हेन ओनली, ठीक है, अकर व्हेन ओनली HBr इज एडेड इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, परोक्साइड लिंकेज होती है। मैंने आपको कराया भी हुआ एक बार, कहां कराया था, रिडॉक्स रिएक्शन में, कहां कराया था, रिडॉक्स रिएक्शन में। जिसको नहीं पता ये क्या होता है, परोक्साइड लिंकेज होती है, क्या होती है, परोक्साइड लिंकेज। तो गाइस एंटी मार्कोनिकोव रूल तभी शो होता है
जब HBr को हम अल्कीन में ऐड करें, जैसे देखो इधर तो कुछ भी हो सकता था ना, देखो इधर HCl भी ले सकते थे, HCl भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपका Cl इधर आ जाता, एक बार Cl इधर आता, एक बार Cl इधर आता, और आपको पता है कि HCl में नेगेटिव पार्ट क्या है, Cl, तो Cl अपना इधर कनेक्ट होगा, ए अपना मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इधर तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, मार्कोनिक रूल तो सब में लगता है, बस एक ही एक ऐसा केस है जहां एंटी मार्कोनिक रूल लगता है। इधर HI भी ले सकते थे, तब भी आई कहां कनेक्ट हो जाता है, इधर, सिंपल सी बात है। इधर देखो क्या है, एंटी मार्कोनिक रूल किसमें लगता है, ए समझना बहुत जरूरी है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, कि तभी एंटी मार्कोनिक रूल लगाएंगे जब HBr इज एडेड इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। HBr को जब हम ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, तभी हम क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोनिक रूल, मतलब उल्टा काम होगा। अगर सिर्फ HBr का, सिर्फ HBr को ऐड कर रहे हैं, परोक्साइड की प्रेजेंस नहीं है, तब तो मार्कोनिक रूल लगेगा। जब HBr को ऐड करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, इन presence of peroxide, तब क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिक रूल, मतलब उल्टा काम होगा। अब नेगेटिव पार्ट कहां अटैच होगा, जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो नेगेटिव पार्ट इधर कनेक्ट होगा, अब आपका मेजर प्रोडक्ट ए होगा, बिल्कुल उल्टा है। बस यही एक केस है जिसमें एंटी मार्कोनिक शो होता है, एंटी मार्कोनिक मतलब क्या होता है, मार्कोनिक के ऑपोजिट, और आपके जो अल्क इसमें अल्कीन्स में एडिशन करा रहे हो, उसमें बस एक ही ऐसा केस है जिसमें क्या है, एंटी मार्कोनिक रूल शो होता है, वो कौन सा है, जब HBr को ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। मतलब एक क्वेश्चन बन सकता है कि एक आपको दे दे, एक रिएक्शन दी, एक बार HBr से अटैक कराया, एक बार सिर्फ HBr से कराया, और एक बार HBr इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड कराया। तो देखो, जब सिंपल से कराया तब ए प्रोडक्ट बना, जब परोक्साइड की प्रेजेंस में कराया तब ए प्रोडक्ट बना। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि इसमें जब परोक्साइड की प्रेजेंस हो तो एंटी मार्कोनिक रूल लगता है, और HCl होगा तब नहीं लगेगा, बस HBr ही होना चाहिए। जैसे इधर तो HCl भी हो, HI भी हो, तब भी यही काम होगा। इधर बस लेकिन HBr के केस में ही शो होता है, उसका रीजन भी है जिसको मैं आपको एडवांस में कराऊंगा। अभी के लिए इतना याद रखो कि जब HBr के केस में क्या होता है, HBr के केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। HBr के केस में जो मैकेनिज्म में स्टेप्स होते हैं, और जो दो स्टेप होते हैं, दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब HBr की एडिशन के करने के टाइम एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी रिलीज होती है। और अगर HCl हो, अगर HCl हो या HI हो, उस केस में एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एक एंडोथर्मिक होती है, और एंडोथर्मिक की हीट ज्यादा होती है। मतलब ओवरऑल देखें तो HCl और HI में हमें हीट देनी पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए, और HBr के केस में हीट रिलीज होती है, मतलब कंपाउंड की एनर्जी डिक्रीज होती है। तो जितनी डिक्रीज होगी एनर्जी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सिर्फ HBr के केस में ही एंटी मार्कोनिक रूल शो होता है। अगर मान लो, सपोज आपको कंफ्यूज करने के लिए, सो आपको मान लो, इधर नहीं, इधर तो सही चीज लिखी हमने। अगर मान लो, अगर आपको HBr की जगह HCl दे देते इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनता, क्या प्रोडक्ट ए बनता, नहीं। क्यों? क्योंकि एंटी मार्कोनिक रूल बस HBr इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड में लगता है। HCl में जाई परोक्साइड की प्रेजेंस हो जाई ना हो, उसमें प्रोडक्ट मार्कोनिक के अकॉर्डिंग ही बनेगा। जाई परोक्साइड प्रेजेंस भी हो तब भी HCl में प्रोडक्ट मार्कोनिक के अकॉर्डिंग बनेगा। तो मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ए बनेगा, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ए बनेगा, कि इधर से हाइड्रोजन आएगा। मतलब नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट होगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। HCl जाई प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड हो, या तो जाई ऐसे ही हो, मतलब बिना इन द एब्सेंस ऑफ परोक्साइड भी हो, तब भी मार्कोनिकोव भी लगेगा। बस HBr ये एक ऐसा केस है, HBr होना ही चाहिए और इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, तभी बस एंटी मार्कोनिकोव शो होता है। मतलब बस इसी एक लाइन के अंदर एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है, कि बस HBr भी होना चाहिए और परोक्साइड भी होना चाहिए। HCl इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड भी हो, जाए HI इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड भी हो, तब भी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। क्लियर है? तो ये आपका गाइस पूरा एंटी मार्कोनिकोव एंड मार्कोनिकोव रूल है, ठीक है ना।
तो आई होप क्लियर हो, बहुत सिंपल सा रूल था, ठीक है ना। नेगेटिव पार्ट मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट होगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, एंड पॉजिटिव पार्ट जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो नेगेटिव को नेगेटिव के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बनाई जाती है, तो पॉजिटिव पार्ट तो ऑटोमेटिकली दूसरे पे कनेक्ट हो गई। तो ये आपके दो रूल हैं, ठीक है, क्लियर है। और इनको आप कहीं भी लगा सकते हो, इनको आप कहीं भी लगा सकते हो। जैसे देखो, जैसे अगर अपनी अटैकिंग स्पीसीज, अगर अपनी अटैकिंग स्पीसीज वाटर होती, अगर हमने अल्कीन में अगर वाटर का अटैक कराते, अल्कीन में मान लो इसमें अगर हम अटैक कराते वाटर का, तो आपको पता है कि वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव से ही वाटर बनता है। तो बस नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट हो जाएगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। पॉजिटिव पार्ट कहां कनेक्ट हो जाएगा, जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो याद रखना, अल्कीन्स के केस में जब एडिशन रिएक्शन होती है, तब आपको मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग अटैचमेंट करानी है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट हो जाता है, इधर OH इधर लग जाता, CH2 इधर लगता ही, OH आपका इधर लगता, क्लियर। तो आप कोई भी अटैकिंग रीजन ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि हेलो हैलाइड ले, ठीक है ना, हाइड्रोजन हाइड्राइड हैलाइड ले, तो आप कुछ भी ले सकते हो अटैकिंग एजेंट, क्लियर है। अब देखो गाइस, बात करते हैं आगे, थोड़ा मार्कोनी का रूल को देखते हैं। आपके जो बहुत आगे यूज करता है हाइड्रोकार्बन में, एक चीज आती हाइड्रोकार्बन में, आपको मार्कोनी का रूल कराया जाता है, और उसके बाद उसी की एप्लीकेशन आपको अल्कोहल्स में दिखाई जाती है। लेकिन तब तक प्रॉब्लम क्या होती है, काफी बच्चे इसमें डीमोटिवेट फील करने लग जाते हैं, क्योंकि वो 11th में किया है और फिर 12th में, वो भी दूसरे चैप्टर में आया, ठीक है। तब करके इसको मैं एक साथ ही लेके आया हूं कि आपको सब कुछ याद हो मार्कोनी के रूल के बारे में। तो देखो गाइस, मार्कोनी के रूल की तो ये एप्लीकेशन देखते हैं। देखो, मेथड्स टू कन्वर्ट अल्कीन्स इनटू अल्कोहल। अल्कीन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के मेथड, तीन मेथड हैं, और तीनों के तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखो, पहला मेथड क्या है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। मतलब देखो एसिड भी है, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन करना, वाटर का ऐड करना, हाइड्रेशन करना इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, दैट इज कॉल्ड एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में अपना रीजेंट क्या यूज होता है, वाटर प्लस एच पॉजिटिव, या कोई भी एसिड हो, जैसे H2SO4 भी दिया होता तब भी बात सेम थी, ठीक है ना, कोई भी एसिड हो जो आपको एच पॉजिटिव दे रहा हो, तो आपका ए रीजेंट यूज होता है। देखो होता क्या है, इसमें आपको करना क्या है, इनके प्रोडक्ट लिखने बहुत आसान है, बस समझो कैसे आप बहुत सिंपल तरीके से प्रोडक्ट लिख पाओगे। देखो, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन हो, बस आपको ये चीज देखना है कि रिएक्शन, देखो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, मान लो जेई में या नीट में क्वेश्चन आ गया, ए आपको रिएक्शन दी होगी और ये चीज दी होगी, आपसे पूछा जाएगा प्रोडक्ट क्या है, आपको प्रोडक्ट पूछा जाएगा और आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको ये चीज देख के क्लियर होनी चाहिए, कि अच्छा इधर एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में आपको प्रोडक्ट बनाना कैसे है, सबसे पहले आपने क्या करनी है रीअरेंजमेंट, फिर क्या करना है, मार्कोनिकोव रूल लगा देना है। सबसे पहले रीअरेंजमेंट करो, फिर मार्कोनिकोव रूल लगा दो, ठीक है, उसके बाद मार्कोनिकोव रूल लगा दो। तो देखो, सबसे पहले देखो, जैसे मैं पहली एग्जाम्पल ये लेता हूं, पहली एग्जाम्पल अपनी ये है, देखो आपने वाटर प्लस एच पॉजिटिव लिखा है, तो आप समझे कि अच्छा इधर तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन होगी अल्कीन्स की। अब देखो बात क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है प्रोसेस में, इसका प्रोडक्ट लिखने के लिए सबसे पहले क्या करो, रीअरेंजमेंट करो। आपको आती है करनी, आपको मैंने कराई हुई है, अब आपको दिखाता हूं कैसे रीअरेंजमेंट होती है। देखो, आपको सबसे पहले पता है कि पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इधर, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा स्टेबल है। अब ये देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि रीअरेंजमेंट कब होगी, जब स्टेबिलिटी इनहेंस होगी, जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तभी रीअरेंजमेंट शो होगी। तो देखो,
इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब 2 डिग्री कार्बोकोटाइन बन रहा है। तो ये देखो 2 डिग्री कार्बोकोटाइन से भी ज्यादा स्टेबल हम कार्बोकोटाइन बना सकते हैं कि नहीं इसमें? अगर 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कार्बोकोटाइन अगर हम बना पा रहे होंगे तो हम उसकी रीअरेंजमेंट करेंगे। तो देखो इधर पॉजिटिव चार्ज आया, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आता तो आपको दिख रहा है कि इधर 3 डिग्री कार्बन भी है। तो इधर से अगर हाइड्राइड शिफ्ट कर दे, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, देखो क्या हो रहा है। देखो जैसे आपके पास एक कंपाउंड था, आपके पास एक कंपाउंड था, तो इसका मैं आपको थोड़ा मैकेनिज्म दिखा रहा हूं कैसे काम हो रहा है। तो देखो वाटर प्लस एच पॉजिटिव है, वाटर प्लस एच पॉजिटिव है, तो सबसे पहले एच पॉजिटिव अटैक करेगा, एच पॉजिटिव अटैक करेगा, पॉजिटिव पार्ट कहां अटैच होता है, पॉजिटिव पार्ट कहां अटैच होगा, जहां लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर है, तो इधर एच पॉजिटिव ने अटैक कर दिया, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड इधर स्प्लिट होकर इधर नेगेटिव चार्ज आया और एच पॉजिटिव ज्वाइंट हो गया। तो इधर क्या आया, इधर पॉजिटिव चार्ज आया। अब देखो कार्बोकोटाइन बन गया। अब देखो क्या कार्बोकोटाइन में रीअरेंजमेंट कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकोटाइन है। अगर इधर से हाइड्राइड शिफ्ट कर दे तो कार्बोकोटाइन इधर बन जाएगा, तो 3 डिग्री कार्बोकोटाइन बन जाएगा, स्टेबिलिटी कार्बोकोटाइन की इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए इधर हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। तो ये रीअरेंजमेंट होगी, तो इधर एच आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने पहला स्टेप क्या करना है आपको, रीअरेंजमेंट। अगर पॉसिबल है रीअरेंजमेंट करना तो सबसे पहले रीअरेंजमेंट करो। तो रीअरेंजमेंट कर लिया इधर तक, उसके बाद बस मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग अटैक करवा दो। देखो बस क्या करना है, नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा, इधर नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा। देखो अब कार्बोकोटाइन इधर बन गया, अगर रीअरेंजमेंट हो रही है तो पहले कार्बोकोटाइन बनाओ, रीअरेंजमेंट करके फाइनल कार्बोकोटाइन बनाओ, उसके बाद बस OH उधर अटैक हो जाएगा, OH नेगेटिव उधर पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर लेगा, बस काम खत्म। तो ए आपका है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। जैसे एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो, सेकंड एग्जांपल वाटर प्लस एच पॉजिटिव, वाटर प्लस एच पॉजिटिव। अब आपको पता है कि अच्छा एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन है, तो आपको पता है कि रीअरेंजमेंट प्लस मार्कोनिकोव एडिशन होगी। तो देखो अब आपको मार्कोनी को पता है पहली बात होगी, तो देखो इधर पॉजिटिव चार्ज आपको पता है इन दोनों में से कहां आएगा, इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। अब बताओ क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि 2 डिग्री इधर 3 डिग्री कार्बोकोटाइन तो बन ही नहीं सकता, तो 2 डिग्री कार्बोकोटाइन ही मोस्ट स्टेबल फॉर्म है इधर, क्योंकि इधर 3 डिग्री कार्बोकोटाइन तो बना नहीं सकते, बस एक पॉसिबिलिटी है ना, या तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ सकता है या तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ सकता है। तो इधर रीअरेंजमेंट तो पॉसिबल नहीं है, आपको पता है रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर बस 2 डिग्री कार्बोकोटाइन ही बनेगा, जो कि मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग ही बन रहा है, तो इधर रीअरेंजमेंट तो होगी नहीं। तो इधर मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग बस ऐड कर दो, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग बस वाटर को ऐड कर दो, वाटर को मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर दो। क्या करोगे? बस देखो वाटर का OH नेगेटिव, देखो मैंने आपको बताया था वाटर क्या होता है, OH नेगेटिव लिखा था कि अच्छा इरेज हो गया, वाटर का OH नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है, तो OH नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट होगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और पॉजिटिव पार्ट जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो देखो दो एग्जांपल से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। पहली एग्जांपल मैंने ये ली जिसमें रीअरेंजमेंट करना पॉसिबल था, इसलिए आपने पहले कार्बोकोटाइन बनाया, देखा कि अच्छा हाँ भाई इसमें रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, तो आपने पहले रीअरेंजमेंट किया, उसके बाद ऐड किया OH नेगेटिव को। और दूसरा मैंने केस ये लिया जिसमें रीअरेंजमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस मार्कोनी का रूल ही लगेगा, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इधर अपने मार्कोनी रूल ने अपने को बताया ही था कि नेगेटिव पार्ट इधर कनेक्ट होगा, तो नेगेटिव पार्ट जहां कनेक्ट हो रहा है, जिस कार्बन से कनेक्ट हो रहा है उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकोटाइन कहीं और बन ही नहीं रहा है, इसलिए नेगेटिव पार्ट इधर कनेक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव पार्ट इधर कनेक्ट हो जाएगा। तो दोनों एग्जांपल बता दी जिसमें एक बार रीअरेंजमेंट हो भी रही है, जब रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, जैसे इधर रीअरेंजमेंट करना पॉसिबल था क्योंकि इधर 2 डिग्री कार्बोकोटाइन बन रहा था, उससे भी स्टेबल हम कार्बोकोटाइन बना सकते थे क्योंकि 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट था, तो इसलिए इधर रीअरेंजमेंट हुई, इधर पॉसिबिलिटी नहीं थी तो इधर रीअरेंजमेंट नहीं होगी, बस सिंपली मार्कोनी की एडिशन करा दो, बस मार्कोनी के अकॉर्डिंग एडिशन करा दी, प्रोडक्ट बन गया। तो पहला मेथड समझे एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको मेरे जैसे थके हुए लोग HBO भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HBO, हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
इसमें रीजेंट क्या यूज होते हैं, रीजेंट ही मेन इंपोर्टेंस होते हैं, रीजेंट मेन इंपोर्टेंट होते हैं, रीजेंट देख के आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन है। तो हाइड्रोबोरेशन, देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या, बोरेशन, देखो बोरेशन मतलब डाइबोरेन यूज हो रहा है, B2H6 यूज हो रहा है, B2H6 एंड ऑक्सीडेशन हो रही है इसलिए H2O2 भी यूज हो रहा है, B2H6 प्लस H2O2 एंड THF, THF क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्लोरान। THF अगर आपको ना भी दिया होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि THF इधर बस एज अ सोलवेंट काम करता है, कोई रिएक्टिंग स्पीसीज नहीं है, बस एज अ सोलवेंट काम करता है, अगर THF ना भी दिया होता तब भी कोई प्रॉब्लम ना होती, ठीक है ना। THF की जगह आपको, चलो एक चीज और बता देता हूं, THF की जगह आपको अगर OH- भी दिया होता, OH- भी दिया होता तब भी सेम बात थी, तब भी सेम बात थी, क्यों, एक सोलवेंट था, मतलब OH- का मतलब क्या, OH- का मतलब क्या, जैसे देखो आपको, देखो कुछ चीज बताता हूं, देखो जैसे KOH होता है, KOH होता है, NaOH होता है, पोटेशियम कार्बोनेट होता है, पोटेशियम कार्बोनेट होता है, और सोडियम कार्बोनेट भी होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो चार चीजें हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये चारों चीजें OH नेगेटिव देती हैं सॉल्यूशन में, ये चारों स्पीसीज सॉल्यूशन में OH नेगेटिव देती हैं, सॉल्यूशन में OH नेगेटिव देती हैं, ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या देती हैं, OH नेगेटिव। तो जाई OH नेगेटिव लिखा हो जाई A लिखा हो बात सेम है, ठीक है, मतलब अगर KOH लिखा है तो समझ जाओ कि OH नेगेटिव ही लिखा है, अगर NaOH लिखा है तो समझ जाओ OH नेगेटिव ही लिखा है, अगर K2CO3 लिखा हुआ है तब भी समझाओ कि OH नेगेटिव ही है, वो इक्वलेंट टू OH नेगेटिव है, क्योंकि इस चीज से हमें OH नेगेटिव ही मिलता है सॉल्यूशन में, क्योंकि जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हमें OH नेगेटिव देता है, तो ऐसी तरह ये भी, तो ये सारे आपके OH नेगेटिव प्रोड्यूसिंग स्पीसीज है, OH नेगेटिव प्रोड्यूसिंग स्पीसीज है। तो अगर THF की जगह OH नेगेटिव लिखा हो जाई इन चारों में से कुछ लिखा हो तो बात सेम है, डरना ना उस चीजों से कि इसमें तो एक चीज और आ गई, ठीक है ना, तो इन चीजों का मतलब वही है, ठीक है ना, बस एज अ सॉल्वेंट काम करता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो गाइज, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि रीजन क्या है, कि जब कभी भी रिएक्शन ऐसे अल्कीन हो, अल्कीन में ऐसे रिएक्शन दिया हो, रीजन दिया हो, तो आपको दिमाग में आना चाहिए अच्छा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो तब उसके बाद काम करना। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप कैसे प्रोडक्ट लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, बस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करो, एंटी मार्कोनी एडिशन करो, क्या करो, एंटी मार्कोनी को एडिशन करनी है आपको। देखो इधर हमने परोक्साइड एक तरह से यूज भी किया हुआ है, परोक्साइड यूज किया ना, हाइड्रोजन परोक्साइड, तो परोक्साइड इसके केस में, इसलिए एंटी मार्कोनी को एडिशन हो रही है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होती है, एंटी मार्कोनी को एडिशन। और एक चीज भी याद रखना, एडवांस में पूछ लेते हैं कि एंटी मार्क मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो प्रोडक्ट अपने बनते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, सिन प्रोडक्ट होते हैं, सिन एडिशन होती है। तो देखो बस आपको एंटी मार्कोनी को एडिशन करानी है वाटर की, है ना, वाटर की, तीनों में वाटर की एडिशन ही कराएंगे हम, तो वाटर की एडिशन करानी है एंटी मार्कोनी को अकॉर्डिंग। तो आपको पता है वाटर में दो स्पीसीज हैं, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, तो एंटी मार्कोनी को रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट होगा, जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब ऑपोजिट टू मार्कोनी को। तो नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट होगा, जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, एंड पॉजिटिव पार्ट कहां कनेक्ट होगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपका एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग, बस अगर आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है जेई नीट में, एक चीज दी हुई है, तो आपको इस चीज से क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ए HBO रिएक्शन है, और HBO में आपको पता है कि एंटी मार्कोनी को एडिशन होती है, तो बस वाटर को ऐड करो एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग। रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है, रीअरेंजमेंट बस इसी केस में पॉसिबल है, तो इस केस में करना है, बाकी में नहीं करना। तो ये काम आपको बस एंटी मार्कोनी को रूल के अकॉर्डिंग वाटर ऐड कर देना, वही आपका फाइनल प्रोडक्ट है, क्लियर है। तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया, ठीक है, जैसे हमने वाटर, वाटर का OH नेगेटिव कहां अटैच होगा, जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो OH इधर आया, H इधर आया, क्लियर है। अब देखो तीसरा मेथड क्या है, ऑक्सीमल्कुरेशन डीमल्कुरेशन रिएक्शन।
इसको मेरे जैसे थके हुए लोग OMDM भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? OMDM। तो ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन में देखो रीजेंट क्या यूज होता है, रीजेंट ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन चीजों से क्लियर होना चाहिए। अगर ये रिएक्शन में दिया हुआ हो, अगर ये रिएक्शन में दिया हुआ तो आपको माइंड में आना चाहिए कि ये ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन रिएक्शन है। तो ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन रिएक्शन में क्या यूज होता है? मर्करी का कंपाउंड यूज होता है। मर्कुलेशन मर्करी से क्लियर हो रहा ना, नाम क्लियर हो रहा ना, नाम से देखो नाम भी मर्करी का वर्ड यूज हो रहा है। तो इसमें मर्करी देखो HgOAC2 वाटर यूज होता है। तो इधर THF भी दिया हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, THF दिया हो ना दिया हो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी सॉल्वेंट लिख भी देते हैं, कभी कभी नहीं भी लिखते, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ ये दो चीजें होनी चाहिए। ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? उसमें क्या करना है, बस आपको मार्कोनी को एडिशन करानी है, सिर्फ रीअरेंजमेंट नहीं करनी है। इसमें क्या किया था, पहले रीअरेंजमेंट की फिर मार्कोनी को लगाया, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसमें क्या किया, एंटी मार्कोनिकोव। इसमें क्या करना है, सिर्फ मार्कोनिकोव रूल लगाना है, रीअरेंजमेंट नहीं करनी है। तो जैसे देखो ये कंपाउंड था अपने पास, ये अपने पास कंपाउंड था, ये आपके रिएक्शन थी, आपको पता है कि अच्छा ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन हो रही है। तो ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन में क्या होती है, मार्कोनिक एडिशन होती है विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट। तो बस एंटी मार्कोनी को एडिशन करा दो, बहुत सिंपल है, रीअरेंजमेंट का सोचना ही नहीं है कुछ। बस क्या होगा, नेगेटिव पार्ट वाटर की एडिशन करानी, नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट होगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो इधर आपका OH लग जाएगा और इधर आपका H लग जाएगा, तो इधर आपका कंपाउंड बन जाएगा, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। ये तो तीन मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। पहला मेथड क्या था, देखो पहले मेथड में जो हमने एग्जांपल ली थी, इसमें क्या प्रोडक्ट बना था अपना, OH इधर आ गया, OH कहां लगा था, इधर OH इधर लगा था, क्योंकि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में हमें पहले रीअरेंजमेंट करनी होती है, फिर मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। पहला केस ये था, ठीक है, कि इसमें देखो इसमें क्या प्रोडक्ट बना था, OH इधर लगा था, और इसमें क्या प्रोडक्ट बना, OH उधर लगा, और इसमें क्या प्रोडक्ट बना, OH, OH कहां लगा, इधर लगा। तो देखो तीनों में OH अलग अलग जगह लगा सेम कंपाउंड में, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इस पर, इसमें देखो OH कहां लगा अपना, इधर लगा था, इसमें OH अपना कहां लगा, इधर लगा, इसमें OH अपना कहां लगा, इधर लगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और आपको अनडाउटली अगर ये क्वेश्चन आया आपको, मान लो JEE या NEET में अगर ये क्वेश्चन आया, तो उधर आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, ए भी दिया होगा, ए भी दिया होगा, ए भी दिया होगा, ए भी दिया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन में सिर्फ मार्कोनिकोव एडिशन होती है, रीअरेंजमेंट नहीं होती। तो सिंपल सी बात, एसिड कैटलाइज में रीअरेंजमेंट प्लस मार्कोनिकोव, HBO में सिर्फ एंटी मार्कोनिकोव, और उसमें ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन में मार्कोनिकोव एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, दैट सिंपल। बस उसके अकॉर्डिंग वाटर ऐड कर दो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही मेथड है, तीन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड थे, मेथड्स टू कन्वर्ट अल्कीन्स इनटू अल्कोहल, ठीक है गाइस, क्लियर है। अब देखो एक चीज और देख लो इसी के साथ, अभी थोड़ा एक और चीज देख लो कि आपका मार्कोनिकोव थोड़े और रिएक्शन हो जाए, एक चीज और देख लो। देखो कोचीरोव रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, कोचीरोव रिएक्शन, एनसीईआरटी में एज ए नाम दिया नहीं होता, मर्कुलेशन ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन भी एनसीईआरटी में दी नहीं हुई है, लेकिन हाँ आपके एग्जाम में आती है, ये भी आपके एग्जाम में एज ए फॉर्म कोचीरोव रिएक्शन के नाम से नहीं दी है, बस सिंपल रिएक्शन लिखी हुई है, लेकिन आपको याद रखना है इसको क्या बोलते हैं, कोचीरोव रिएक्शन। देखो कोचीरोव रिएक्शन क्या होती है, अल्काइंस की रिएक्शन होती है टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्काइंस की रिएक्शन होती है, अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्डेड अपना कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड उसको बोलते हैं अल्काइंस आइंस, हाँ, तो टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन, कि अल्काइंस को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करने वाला मेथड है या रिएक्शन है कोचीरोव रिएक्शन। देखो इसमें पहली बात यह समझो, इसमें रीजेंट क्या यूज होता है, क्योंकि इन्हीं चीजों से आपको याद आना चाहिए, इस चीज से आपको याद आना चाहिए कि अच्छा ये कोचीरोव रिएक्शन है।
आपको जब लिखा हो रिएक्ट क्वेश्चन में कि Hg2 मरकरी 2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, या ये भी लिखा हो सकता है क्योंकि Hg2 पॉजिटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मरकरी सल्फाइड, मरकरियस सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये दोनों सेम ही चीज है, है ना। Hg2 पॉजिटिव कहां से आता है, इधर से आता है, तो जाइए ये लिखा हो जो ये लिखा हो बात सेम है। तो आपकी कोचिंग ऑफ रिएक्शन में रीजेंट क्या यूज होता है, ए यूज होता है मर्करी टू पॉजिटिव एच पॉजिटिव, तो ये आपका रीजेंट यूज होता है। तो याद रखना जब अल्काइंस की रिएक्शन कर रहे हो और आपका ए रीजेंट दिया हो तो आपके माइंड में आना चाहिए कि अच्छा कोचिंग ऑफ रिएक्शन पूछी है हमें जेई नीट में। तो अब कोचिंग ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, देखो प्रोडक्ट लिखने में इसमें क्या करना है, पहले आपको मार्कोनिकोव एडिशन कर देनी है वाटर की, सबसे पहला काम तो ये करना है, मार्कोनिकोव एडिशन कर दो वाटर की, उसके बाद टोटोमरिज्म कर दो, उसके बाद टोटोमरिज्म कर दो, पहले मार्कोनिकोव एडिशन कर दो वाटर की, फिर टोटोमरिज्म कर दो। टोटोमरिज्म अब क्लियर है, जीओसी करा चुका हूं, नहीं क्लियर है तो अभी भी पता लग जाएगा, वैसे क्लियर होना चाहिए, आप पूरी सीरीज करनी चाहिए आपको, ठीक है ना। तो देखो ए आपको पता है अल्काइन है, अल्काइन में जब मरकरी 2 पॉजिटिव एंड एच पॉजिटिव लिखा हो तो दिमाग में आना चाहिए जनाब कि क्या है ये, अपनी कोचिरोव रिएक्शन। और कोचिरोव रिएक्शन में क्या करते हैं, मार्कोनिकोव एडिशन करते हैं पहले वाटर की, फिर टोटोमरिज्म करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मार्कोनिकोव एडिशन कर दो, तो देखो ये तो सिमिट्रिकल अल्काइन सी है, तो जहां मर्जी OH लगा दो, जहां मर्जी H लगा दो, तो जाइए OH इधर लगा दो तब भी सेम कंपाउंड है, जाइए इधर लगा दो तब भी सेम कंपाउंड है। तो हमने OH इधर लगा दिया मान लो, तो OH आपका इधर लग गया, H इधर लग गया, पहले हमने मार्कोनिकोव एडिशन करा दी। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है आपका, टोटोमरिज्म करो। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है आपका, टोटोमरिज्म करो। तो देखो टोटोमरिज्म करोगे तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, क्योंकि देखो ये आपके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर इधर जाएंगे, लोन पेयर इधर जाएंगे, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इधर हाइड्रोजन लगा था तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ऑक्सीजन के साथ जब इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए H पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बॉन्ड स्प्लिट कर देगा, तो H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा। H पॉजिटिव रिलीज हो जाएगा तो और H पॉजिटिव, देखो H पॉजिटिव रिलीज, अच्छा डबल बॉन्ड स्प्लिट होगा ना, जब ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड इधर बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड स्प्लिट होगा और नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, और तो H पॉजिटिव फिर इधर कनेक्ट हो जाएगा, तो आपका टोटोमरिज्म से प्रोडक्ट बनता है, बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, बहुत सिंपल। टोटोमरिज्म आपको आता होगा, नहीं आता तो जीओसी के लेक्चर देखो जाके, बैठे ना रहो, एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है, बैठे ना रहना है आपने। तो आपको समझ आ गया कि क्या हमने किया, OH नेगेटिव इधर लगा था, बस टोटोमरिज्म किया और अपना प्रोडक्ट ए बन गया। तो ए ऐसे आपको प्रोडक्ट बनाना है। कोचिरोव रिएक्शन में क्या होगा, पहले मार्कोनिकोव एडिशन फिर टोटोमरिज्म कर दो, दैट इज अवर फाइनल प्रोडक्ट। जैसे दूसरी रिएक्शन देखो, ए क्या है, अनसिमिट्रिकल अल्काइंस, तो इसमें आप देखो आपको ये दिया हुआ है तो आपको समझ आना चाहिए अच्छा कोचिरोव रिएक्शन हो रही है, और आपको पता है कि कोचिरोव रिएक्शन में क्या होता है, मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर फिर टोटोमरिज्म। तो सबसे पहले क्या करो, मार्कोनिकोव एडिशन करा दो, तो देखो नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा वाटर का, नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो इधर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो नेगेटिव पार्ट OH पे लग जाएगा, पॉजिटिव पार्ट इधर लग जाएगा, इधर देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर एक हाइड्रोजन है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन पे है, तो जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो नेगेटिव पार्ट उधर लगता है, तो OH इधर लग गया, H इधर लग गया, और उसके बाद बस आपको क्या करना है, मार्कोनिको वाला काम खत्म कर दिया, दूसरा स्टेप क्या करो, बस टोटोमरिज्म करा दो। तो अब टोटोमरिज्म कराई तो क्या होगा, AH इधर चला जाएगा, H इधर चला जाएगा, बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा और ऑक्सीजन का इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आपका कीटोन बन जाएगा, इधर एल्डिहाइड बना था, इधर कीटोन बन जाएगा। एक चीज और याद रखना कि कोचिरोव रिएक्शन में एल्डिहाइड बस इथाइन के केस में ही बनता है, बाकी सब केस में कीटोन ही बनता है, क्योंकि देखो इथाइन के केस में बस देखो ए इथाइन था अपना, इथाइन के केस में ही सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, बाकी कोई भी हो, जैसे CH3 है, इधर C2H
C2H3 भी होता, मतलब इथाइल ग्रुप भी लगा होता, तब भी आपका बनता किटोनी, तब भी आपका बनता किटोनी। तो बस एल्डिहाइड एक ही केस में बनता है, ओनली व्हेन इथाइन रिएक्ट विद HG2H पॉजिटिव देन ओनली एल्डिहाइड फॉर्म, अदरवाइज इन ऑल अल्काइन्स क्या बनेगा आपका कीटोन बनेगा, क्या बनेगा आपका कीटोन। तो आपको कोचिरो रिएक्शन क्लियर है, तो मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको की काफी एप्लीकेशन आपको बता दिए, लगभग सभी बता दिए, अगर कोई एक दो रहती होगी तो आपका जब सीरीज खत्म होगी उससे पहले पहले सब पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम बता दिए है जो आपके यूज में आती है, ठीक है। अब देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फिनोल, फिनोल की दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो फिनोल है, फिनोल की अगर हम रिएक्शन कराएं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH प्लस H3O पॉजिटिव, तो क्या होता है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाता है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाता है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं कोलबेस रिएक्शन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कोलबेस रिएक्शन। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए कि सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, आपको ऐसे दिया भी जा सकता है कि व्हेन सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद कंपाउंड ए देन व्हाट विल द प्रोडक्ट फॉर्म, तो उससे पहले आपको सैलिसिलिक एसिड तो पता होना चाहिए, तो आपका सैलिसिलिक एसिड ए होता है। तो फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनाने वाला मेथड होता है कोलबेस रिएक्शन। आपको पता होना चाहिए जब आपको फिनोल दिया हो, फिनोल दिया हो और अटैकिंग स्पीसीज हो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH प्लस H3O पॉजिटिव, तो माइंड में आना चाहिए कि हाँ ये कोलबे रिएक्शन थी और कोलबे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ए होगा, ठीक है। एक रिएक्शन और है फिनोल की, जब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हम क्लोरोफॉर्म ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह अगर हम क्लोरोफॉर्म ले लें, बाकी सब देखो सेम है NaOH भी और H3O पॉजिटिव, बस कार्बन डाइऑक्साइड की जगह अगर हम क्लोरोफॉर्म ले लें तब अपना इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जगह एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, और उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड बोलते हैं क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप अब लगा, पहले सैलिसिलिक एसिड बोल रहे थे, एसिड बोल रहे थे क्योंकि एसिड ग्रुप लगा, अब एल्डिहाइड ग्रुप लगा इसलिए एल्डिहाइड बोल रहे। तो ये आपका होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और इस रिएक्शन को बोलते हैं रीमन टीमन रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो फिनोल की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो तब क्या बनेगा सैलिसिलिक एसिड, तब क्या बनेगा सैलिसिलिक एसिड जिसको कोलबे रिएक्शन बोलते हैं, मतलब कोलबे रिएक्शन में क्या यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रीमन टीमन रिएक्शन में यूज होता है क्लोरोफॉर्म, तो जब क्लोरोफॉर्म के साथ फिनोल की रिएक्शन हो तब क्या बनेगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, क्लियर है। तो आपकी फिनोल की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दो, इनको याद रखना, इनको याद रखना, क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है ना। तो गाइस चलो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं और स्लाइड लेके आता हूं आपकी नॉलेज को और गेन कराते हैं। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो यार, पहले आज की स्लाइड, इस स्लाइड को ओवर करो ले लो, हाँ भाई लोग। तो चलो यार लास्ट स्लाइड करते हैं आज के लेक्चर की, गाइस ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे बहुत ज्यादा चांस है कि आपके क्वेश्चन आए, बहुत ज्यादा चांस है, नीट में तो बहुत ही ज्यादा चांस है, और जेई में कह सकते हो कि 95% चांस है कि इससे क्वेश्चन आए, एंड नीट में तो यार 99% भी कह सकते हो। तो बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आराम से देख लेना, ठीक है ना। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आप बात करेंगे एल्डोल रिएक्शंस के बारे में, किसके बारे में एल्डोल रिएक्शंस के बारे में। तो देखो पहली बात है, देखो एल्डोल रिएक्शन में होता क्या है, कौन देता है एल्डोल रिएक्शन, गिवन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कौन देता है एल्डिहाइड और कीटोन्स की एल्डोल रिएक्शन, आर रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ओ एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो अपने एल्डोल रिएक्शन देते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये पता लग गया कि एल्डोल रिएक्शन कौन शो करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है, सिंपल सी बात है।
अब देखो गाइज, जेईई या नीट में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो कभी कभी आपको पूछ लेते हैं कि व्हाट इज अ अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, या मतलब आपको ये रिएक्शन दी, आपको ये रिएक्शन दी, कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज अ अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, या कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज अ अल्डोल प्रोडक्ट। तो इस बहुत छोटी सी बहुत थिन लाइन है जो कि बच्चों को क्लियर नहीं होती, लेकिन एडवांस में इसी चीजों पे क्वेश्चन आ जाते हैं, एम्स लेवल के क्वेश्चन इसी छोटी सी चीज पे आ जाते हैं। तो इसको देखो, देखो अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, देखो पहली बात तो अल्डोल रिएक्शन में, एल्डोल रिएक्शन कब शो होगी, जब एल्डिहाइड कीटोन, रीजेंट कौन से यूज होते हैं, रीजेंट कौन से यूज होते हैं, डिलूट NaOH, डिलूट NaOH या डिलूट KOH हुई हो, या BaOH2 हो, या Na2CO3 हो, ठीक है, या पोटेशियम कार्बोनेट हो। तो इनमें से कोई भी रीजेंट हो और एल्डिहाइड कीटोन दिया हो रिएक्शन में, एल्डिहाइड कीटोन की इनसे रिएक्शन कराए, तब समझ जाना जनाब कि उधर एल्डोल रिएक्शन हो रही है, उधर एल्डोल रिएक्शन हो रही है। अभी आपको बताता हूं, प्रोडक्ट लिखना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है ना, सारे प्रोडक्ट आपको आसानी तरीके से लिखवा दूंगा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन इसमें क्या ट्रिकी बन सकता है, या जो एडवांस या एम्स लेवल में बन सकता है, जो कि वो देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि आपको छोटी छोटी चीजें पता है कि नहीं। तो देखो गाइस, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कब बनता है, जब कोई भी रिएजेंट हो और साथ में हीट दी हो, साथ में हीट दी लिखा हो, हीट सिंबल में दिया हो, तब आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है। एल्डोल प्रोडक्ट कब बनता है, जब हीट इज एब्सेंट, मतलब सिर्फ अगर रिएजेंट दिया हो, सिर्फ अगर मतलब हीट ना दी हो, इनमें से कोई भी एक दिया हो और एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करा रहे हैं, तब हमें जो प्रोडक्ट मिलता है एल्डोल प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन जब हीट प्रेजेंस हो तब हमें एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है। पहली बात क्लियर है कि एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कब मिलता है, जब हीट प्रेजेंस हो, एल्डोल प्रोडक्ट जब कब मिलता है, जब हीट एब्सेंस हो। अब देखो बात करते हैं कि इसके प्रोडक्ट भैया बनते कैसे हैं, इसके बारे में सीखते हैं। देखो एल्डिहाइड है, पहली बात देखो इस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है, क्योंकि देखो ये अपना देखो कैसे, देखो अच्छा ये बनाया हुआ है मैंने, देखो ये अपनी अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसलिए एल्डिहाइड अल्डोल रिएक्शन शो करेगा। अगर सपोज, पहले चलो एक चीज और क्लियर कर दूं इतनी, अगर सपोज अगर ये स्पीसीज होती आपकी, एक मिनट रुको इसको मैं लिख देता हूं फिर बताता हूं। तो अगर सपोज आपके पास एक कंपाउंड होता, ठीक है, अगर आपको सपोज एक कंपाउंड दिया होता, एक कंपाउंड होता, तो बताओ क्या एल्डोल कंडेंसेशन शो करता या एल्डोल रिएक्शन शो करता, नहीं करता। क्यों ना करता, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कहीं, नहीं है, तो ए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस करके इसमें एल्डोल रिएक्शन शो नहीं होगी। तो आपको पूछ सकते हैं, चार कंपाउंड दे दें और पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, then you will have to see which carbon have hydrogen or not। जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तभी क्या होगी, एल्डोल कंडेंसेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसमें नहीं है इस करके एल्डोल रिएक्शन ही आगे शो नहीं होगी, ये रिएक्शन होगी नहीं। अब बात हम अपने उसके पे आते हैं, एक छोटी सी चीज एक समझानी थी जो कि मैंने समझा दी आपको, ठीक है ना, कि जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तभी क्या होगी, एल्डोल कंडेंसेशन होगी। पहली बात है क्लियर है, ठीक है ना, कंडीशन क्लियर है कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कराने के लिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना जरूरी है। अब देखो ए आपके पास एल्डिहाइड था, ऐसे टू दिए, टू मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ना भी दिया होता तब भी आपको टू मानना होता, क्योंकि दो मॉलिक्यूल लेते हैं तभी एल्डोल रिएक्शंस होती हैं, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, एटलीस्ट दो मॉलिक्यूल हो तभी रिएक्शन होती है, अगर दो ना भी दिए होते तब भी आपको मानना पड़ता, ठीक है। तो आपको इंडिकेशन यही चीज देगी कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन हो और उसके साथ डिलूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो समझ जाना जनाब एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं कि इनके एक प्रोडक्ट जो आया है एक कैसे आया, इसको आप कैसे लिख सकते हो, बहुत आसान तरीका है, मैं बताता हूं आपको। देखो ये आपका मतलब रिएक्टेंट था, बस क्या करो दो मॉलिक्यूल उठाओ इसी चीज के, देखो दो मॉलिक्यूल यूज होंगे,
एक मॉलिक्यूल, देखो दो मॉलिक्यूल लो एक, अब बस क्या करो दो मॉलिक्यूल लेना है आपने, बस दो मॉलिक्यूल लो और वाटर रिमूव कर दो, वाटर रिमूव कर दो। कैसे वाटर रिमूव करोगे उसको समझो, क्या करो, वाटर क्या होता है H2O, तो मतलब आपको ऑक्सीजन चाहिए और दो हाइड्रोजन रिमूव करने, एक ऑक्सीजन रिमूव करो कार्बोनाइल ग्रुप का और दूसरे जो ग्रुप के, दूसरे ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट करो, दूसरे ग्रुप के अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट करो। दो कंपाउंड हमने लिए, दो मॉलिक्यूल लिए इसी के, एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकाला, एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकाला, दूसरे मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करो। तो देखो ये अपना, देखो ये पहला मॉलिक्यूल अपना ए है, इससे हमने ऑक्सीजन निकाला, दूसरा मॉलिक्यूल ए है CHO CH3, तो ये अपने अल्फा हाइड्रोजन है, इससे इस कार्बन से जो कनेक्ट है हाइड्रोजन वो क्या है अपने अल्फा हाइड्रोजन, तो हमने दो अल्फा हाइड्रोजन निकाले। तो जब इनको आप रिमूव करोगे, जब वाटर बस आपको एलिमिनेट कर दो, वाटर जब आपने एलिमिनेट किया तो आपके पास यही प्रोडक्ट बनेगा, देखो CH3CH डबल बॉन्ड इसके साथ आ जाएगा, डबल बॉन्ड इसके साथ आ जाएगा CH के साथ, वाटर रिमूव हो जाएगा और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH उसके बाद CHO इसका, तो ऐसे आपको प्रोडक्ट बनेगा। एक कौन सा प्रोडक्ट है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, ये क्या है आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और मेजरली आपको ज्यादा अगर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ही पूछते हैं, लेकिन कभी कभी एडवांस में एल्डोल प्रोडक्ट या मेंस में भी पूछ सकते हैं, नीट में भी, तो एल्डोल प्रोडक्ट ही पूछ सकते हैं। पहली बात आपको यह समझ आया कि एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, कि बस वाटर को रिमूव कर दो, कैसे वाटर को रिमूव करोगे, एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकालो, दूसरे मॉलिक्यूल से दो अल्फा हाइड्रोजन निकालो, जब इधर से दो अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे और इधर से ऑक्सीजन निकलेगा तो ए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट आया ये ऐसे आप लिख सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है प्रोडक्ट लिखने में, बस वाटर रिमूव करना है। एल्डोल रिएक्शन में क्या करेंगे, बस वाटर रिमूव करेंगे, बस कैसे, एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन लेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, दोनों को वैसे वाटर एलिमिनेट करो, प्रोडक्ट बन गया। अब बात करते हैं ए आपका क्या है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जो ऐसे जो बनाते हो आप, जो ये प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप लिख सकते हो, इससे जो आपके पास प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट। मतलब जब आपको डिलूट NaOH प्लस हीट दिया होता तो आपको जो प्रोडक्ट बनता वो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता, तो आपने ये प्रोडक्ट लिखना था आंसर में। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में हीट ना दिया होता तो आपको इतना तो आप क्लियर हो गया कि एल्डोल कंडेंसेशन नहीं एल्डोल प्रोडक्ट लिखना होगा, क्योंकि हीट एब्सेंस है, तो हीट एब्सेंस होगी तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एल्डोल प्रोडक्ट। अब मान लो पहले हीट दी हुई थी तब अपने करके अपना ए प्रोडक्ट बना था, अब मान लो आपकी हीट नहीं दी हुई है तब आप एल्डोल प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, एल्डोल कंडेंसेशन लिखना तो सीख गए, एल्डोल कंडेंसेशन तो लिखना सीख गए, लेकिन एल्डोल प्रोडक्ट पूछा तो क्या करो, तो देखो सबसे पहले तो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिख दो। एल्डोल प्रोडक्ट लिखने के लिए सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिख दो, तो आपने एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिख दिया। अब उसमें बस क्या करो, उसमें मार्कोनिकोव वाटर ऐड कर दो, मार्कोनिकोव के रूल के अकॉर्डिंग वाटर को ऐड कर दो बस, तो आपका एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में वाटर ऐड कर दो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, तब आपका क्या बन जाएगा, आपका एल्डोल प्रोडक्ट। अब इधर आपको एक चीज और समझाता हूं, मार्कोनिकोव रूल का अब एक एक्चुअल मीनिंग समझाता हूं, जो आपको मैंने डेफिनेशन लिखाई थी पहले वो अब बताता हूं कि कहां उस डेफिनेशन से आप क्वेश्चन मार्कोनिक रूल का सोल्व नहीं कर पाओगे, उधर वो चीज काम आएगी जो मैंने आपको बताया था कि देखो पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज इधर ज्यादा स्टेबल है, उसी लिए चीज बताई थी कि आपको मैकेनिज्म भी क्लियर हो, ठीक है। अब देखो उसका यूज कैसे आएगा, अब देखो बात आती है आपको मार्कोनिक रूल क्या होता था, नेगेटिव पार्ट कहां कनेक्ट होगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो देखो इन दोनों में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इन दोनों में सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, अब तो आप डर गए भाई कि अब इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं, इसीलिए मैंने उधर आपको प्लस माइनस साइन बताया था। अब बताओ प्लस पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा स्टेबल होगा कि इधर ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों,
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर इधर ले आए तो ये क्या है, सीएलडीहाइड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से और खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। और अगर पॉजिटिव चार्ज इधर हो, पॉजिटिव चार्ज इधर हो तो इलेक्ट्रॉन एसी मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो आपको अब पता लगा, जब देखो दोनों में हाइड्रोजन सेम थे लेकिन तब भी मार्कोनी का रूल अब देखो एक्सटेंड हुआ। तो इसलिए और मैकेनिज्म समझाने का ही मतलब था कि जो बुक में आपको डेफिनेशन दी होती है, मैंने आपको लिखाई तो है लेकिन जेई में या नीट में एडवांस में ऐसे भी घुमा देते हैं क्वेश्चन को, मार्कोनी रूल को एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। देखो इसमें हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग तो कुछ देख ही नहीं पाओगे क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन सेम है, लेकिन लगाना तो है, हमें वाटर को ऐड तो करना है मार्कोनी के अकॉर्डिंग। तो मार्कोनी को रूल की प्योर डेफिनेशन जो है, मार्कोनी को रूल की प्योर डेफिनेशन जो है ए है कि जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो कार्बन की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब जहां जो पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो, जहां पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी आराम से मतलब डिक्रीज हो जा रही है, जिस साइड पे जैसे देखो ये दो अपने पास साइड है, एक पॉजिटिव साइड इधर भी आ सकता था, पॉजिटिव चार्ज इधर भी आ सकता था, लेकिन ये ऐसी साइड है जहां पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी। तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी जहां कम होगी वो सबसे स्टेबल साइट होगी, और उधरी नेगेटिव पार्ट जॉइंट होगा, उधरी नेगेटिव पार्ट जॉइंट होगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाता है, ठीक है ना, कंसेप्ट समझे कि जब दोनों साइड हाइड्रोजन सेम थे तब भी हम कैसे मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग कैसे चलते हैं कि जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो, इधर पॉजिटिव चार्ज आपको पता है ज्यादा स्टेबल होगा तो नेगेटिव चार्ज इधर लगेगा, नेगेटिव स्पीसीज इधर लगेगी, पॉजिटिव स्पीसीज इधर लगेगी। तो बस वाटर में OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव होता है, तो आपको पता है OH कहां लगेगा, इधर, H लगेगा इधर, तो OH आपका इधर लग गया, H आपका इधर लग गया, तो दैट इज अवर एल्डोल प्रोडक्ट। समझो क्या हुआ, जब आपको एल्डिहाइड कीटोन दिया हो, एल्डिहाइड कीटोन दिया हो और साथ में उस एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन कराई हो डिलूट NaOH, डिलूट KOH, ठीक है, डिलूट NaOH, डिलूट KOH, K2CO3, BaOH, Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बन, इनमें से कोई भी इधर लिखा हो तो समझ जाना एल्डोल रिएक्शन है। और उसके बाद अगर हीट भी साथ में दिया हो तब आपको कौन सा प्रोडक्ट लिखना है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जिसको लिखना मैंने आपको बहुत सिंपली सिखा दिया है कि बस एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन एलिमिनेट करो, दूसरे मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट करो, दूसरे मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट करो, तो ऐसा करके आपने काम कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखना तो आ गया। अगर आपसे हीट ना दी होती तो आपको पता है कि एल्डोल प्रोडक्ट लिखते हैं, तो एल्डोल प्रोडक्ट लिखते हैं तो आपको बस क्या करना है, एल्डोल प्रोडक्ट लिखने के लिए पहले एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिख दो, उसमें बस वाटर को ऐड कर दो मार्कोनी के रूल के अकॉर्डिंग, तो आपको एल्डोल प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो गाइस एक एग्जांपल और देखो, जैसे अब देखो पहले हमने एल्डिहाइड लिया था, अब कीटोन ले लेते हैं एसीटोन। तो देखो कीटोन की BaOH2 से कराएं, सेम वही चीज है, कोई भी ले ले तो इसमें अब समझ आया इधर क्या होगा, इसको देख के आपको समझ आना चाहिए कि अच्छा BaOH लिया है और एल्डिहाइड कीटोन है, मतलब एल्डोल रिएक्शन हो रही है। तो आपने बस प्रोडक्ट बनाना है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, बस क्या करो, एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकालो, दूसरे मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन निकालो। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन ए बी है तो दोनों सेम पोजीशन पे ही है, तो जहां मर्जी से निकाल दो। तो देखो एक आपका ए है, दूसरा मॉलिक्यूल आपका ए है, ए आपका अल्फा हाइड्रोजन था, ए अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन था, तो इधर हमने बस क्या किया, एक मॉलिक्यूल से हमने ऑक्सीजन एलिमिनेट किया, दूसरे मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट किए और इन दोनों को जॉइंट कर दिया। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट CH3C, देखो ये आपका क्या था, CH3C और CH3, इसमें ए बचा था और उसके बाद ये डबल बॉन्ड से इससे कनेक्ट हो गया और ये CCOCH3, देखो ये चीज बनी ना, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया, वाटर निकल गया तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो इस कार्बन से क्या है CH3 और दो CH3 लगे हैं, तो इस कार्बन से दो CH3 लगे हैं
और ये डबल बॉन्ड बन गया था, डबल बॉन्ड बन गया, और इस डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन से क्या लगा है, सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री, तो सी डबल बॉन्ड हो सी एच थ्री, तो ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया, या कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया। अगर आपको अब हीट ना दी होती, अगर आपको अब हीट ना दी होती तो बस एल्डोल प्रोडक्ट लिखने के लिए आप क्या करते, वाटर को ऐड कर देते मार्कोनीव के अकॉर्डिंग, तो वाटर को ऐड कर दो मार्कोनीव के अकॉर्डिंग, अब तो इसमें तो ऐड कर सकते हो आराम से। नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा, जहां जहां हाइड्रोजन कम हो, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो नेगेटिव पार्ट इधर लगा, पॉजिटिव पार्ट इधर लगा। तो इसमें तो मार्कोनीव रूल लगाना बहुत आसान था, जिसमें जो मैंने आपको पहले बताया था वो यूज हो रहा था, इसमें थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन यूज हो रहा था तो वो भी बता दिया आपको, ठीक है ना। तो आई होप इधर तक क्लियर है, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो एल्डोल प्रोडक्ट्स। अब देखो गाइस एक थर्ड एग्जांपल देखो, अब मैंने क्या लिया, एक एल्डिहाइड लिया, एक कीटोन लिया, पहले मैंने क्या लिया था दोनों एल्डिहाइड, फिर मैंने क्या लिया दोनों कीटोन, अब मैंने क्या लिया एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का लिया, एक मोल एल्डिहाइड का लिया, एक मोल कीटोन का लिया, एक मोल देखो नहीं मैंने अच्छा ये वाला लिया, मैंने दूसरा सिंपल केस और लिया, मैंने मतलब एक दूसरा एल्डिहाइड लिया है, एक दूसरा एल्डिहाइड लिया, देखो पहले मैंने सेम मॉलिक्यूल दोनों सेम एल्डिहाइड लिए थे, पहले मैंने दोनों सेम कीटोन लिए थे, अब मैंने कीटो एल्डिहाइड दो डिफरेंट डिफरेंट ले लिए, तब भी इसमें करना काम वही है, बस देखो अब इसमें तीन चार टाइप के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, चार पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट्स बनने की। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी यह है कि बस ए आपस में रिएक्ट कर ले, ए मतलब दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के इस मॉलिक्यूल के जैसे, देखो ए दोनों आपस में रिएक्ट कर ले, मतलब CH3CHO के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन रहे थे। तो देखो चार केसेस पॉसिबल है, पहला केस क्या है, ए जो CH3CHO के मतलब इथेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में एल्डोल कंडेंसेशन कर ले, आपस में एल्डोल रिएक्शन कर ले, क्योंकि एक मोल प्रेजेंट है तो एक से ज्यादा, मतलब एक मोल में तो बहुत होते हैं, बहुत सब कुछ प्रेजेंट, तो ए आपस में रिएक्ट कर ले, या तो ए दूसरा केस क्या है, ए आपस में रिएक्ट कर ले, तीसरा केस क्या है कि ए दोनों आपस में रिएक्ट करें, मतलब ए दोनों रिएक्ट करें आपस, मतलब पहला देखो फिर से समझो, पहला केस क्या है कि ये आपस में रिएक्ट कर दे, मतलब दो मॉलिक्यूल CH3CHO के रिएक्ट कर दे और एल्डोल प्रोडक्ट दे, पहला केस हो है। दूसरा केस क्या है कि इथेन मतलब प्रोपेनल के दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके एल्डोल प्रोडक्ट दे, ये दो केसेस हो गए। तीसरा केस क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है कि ए दोनों मतलब ए मॉलिक्यूल और ए इथेनॉल और प्रोपेनॉल रिएक्ट करें, इथेन देखो इथेनॉल है प्रोपेनॉल, तीसरा केस क्या बन सकता है इथेनॉल और प्रोपेनॉल रिएक्ट करें, जिसमें से इथेनॉल अपना ऑक्सीजन दे रहा है और प्रोपेनॉल अपने हाइड्रोजन दे रहा है, तीसरा केस भी बन सकता है। चौथा केस भी बन सकता है कि प्रोपेनॉल अपने ऑक्सीजन दे और इथेनॉल अपने हाइड्रोजन दे, तो चार केसेस पॉसिबल है। पहला केस क्या कि आपस में रिएक्ट कर ले, आप सिर्फ आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे दे, दूसरा ये भी है कि ए भी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे दे, तीसरा केस क्या है कि इथेनॉल ऑक्सीजन दे प्रोपेनॉल हाइड्रोजन दे, चौथा केस क्या है कि प्रोपेनॉल क्या दे ऑक्सीजन दे एंड इथेनॉल हाइड्रोजन दे, तो चार प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो देखो वही बस चारों प्रोडक्ट मैंने लिखे हैं, चारों प्रोडक्ट मैंने लिखे हैं। देखो पहला प्रोडक्ट मैंने क्या लिखा, जब CH3CHO आपस में रिएक्ट कर रहा था, तो देखो जब CH3CHO आपस में रिएक्ट करता है, CH3CHO आपस में रिएक्ट करता है, तो मैंने आपको बताया था देखो ये प्रोडक्ट बनता था, ये प्रोडक्ट बनता था, तो ये देखो ये चीज आई, तो ये प्रोडक्ट मैंने आपको लिखना सिखाया ही हुआ है, तो इसको आप आराम से लिख सकते हो। जब CH3CHO आपस में रिएक्ट करके बस प्रोडक्ट बन रहा है, तो पहला प्रोडक्ट ये पॉसिबल है, पहला केस ये पॉसिबल है। दूसरा केस ये पॉसिबल है कि ये आपस में रिएक्ट कर जाए, बस इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर जाए, तो अब देखो क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन जाएंगे, दूसरे मॉलिक्यूल से अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे, तो देखो क्या होगा, देखो CH3CH2 उसका दे था, इधर से इसके ऑक्सीजन गए और इसी का मॉलिक्यूल एक और कनेक्ट हो गया, देखो देखो क्या हुआ, देखो कैसे बनाए प्रोडक्ट, देखो CH3 देखो आराम से देखो, बहुत सिंपल है, CH3CHO ये चीज है, ठीक है ये चीज है अपने पास, ए अपने पास है, अब एक सेम मॉलिक्यूल और ले ले, देखो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एक सेम मॉलिक्यूल और ले ले, देखो जैसे कहां से बनाऊं, तो देखो ए जैसे आपका CH2A है, देखो ये आपका CH2 है, ये आपका CH2 है, ठीक है ये आपका CH2 है, और एक साइड क्या है इधर CHO ग्रुप लगा है, इधर CHO ग्रुप लगा है, इधर को CH2 से CHO ग्रुप लगा है, और इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर
मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। यही सेम कंपाउंड बनाया, जगह कम थी तो थोड़ा सा इतना दिख रहा हो, तो देखो मैंने वही सेम कंपाउंड बनाया है। देखो बस मैंने क्या लिया, देखो CH3 CH2 CHO, बस वही करना है आपको काम। एक मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकालो, दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकालो, दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकालो, तो बस ये निकाल दोगे, इसको निकालोगे तो ये बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा, अब देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, CH3, देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना CH3, देखो CH3 CH2 CH3 CH2, उसके बाद CH, क्योंकि ये बॉन्ड स्प्लिट हो जाएगा CH, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड, उसके बाद C डबल बॉन्ड C, इस इन दोनों में डबल बॉन्ड बन गया, और इस डबल बॉन्ड से, इस डबल बॉन्ड से एक CH3 कनेक्ट है और एक CH2, एक CH3 कनेक्ट है एक CH2, तो ऐसे आपके प्रोडक्ट बनेंगे, समझे ना। देखो दो मॉलिक्यूल हमने बस लिए, एक से ऑक्सीजन निकाला, एक से अल्फा हाइड्रोजन निकाले, वाटर एलिमिनेट कर दिया, तो देखो क्या बना प्रोडक्ट आपका, CH3 CH3 CH2, ये निकल गया था तो इधर डबल बॉन्ड आ गया था, तो CH डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C आया, और इस कार्बन से डबल, इस कार्बन से क्या कनेक्ट है, एक CH3 और एक CHO, तो ये आपका एक CH3 एक CHO कनेक्ट है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। दैट सिंपल, ठीक है ना, बहुत सिंपल चीज थी, आई होप क्लियर हो। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता गाइज, एल्डोल रिएक्शन में बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता आपके लिए, ठीक है ना। ये दो केस हो गए गाइज, इन दो केसेस को बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, मतलब सेल्फ एल्डोल मतलब कि आपस में ही रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में ही जब रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बन रहे होते हैं तो उनको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ये जो दो प्रोडक्ट हैं ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखो एक दूसरा, तीसरा देखो क्या है, तीसरी मैंने क्या लिया, तीसरा प्रोडक्ट देखो कैसे बना, तीसरा प्रोडक्ट कैसे बन सकता है कि जब देखो अब तीसरा प्रोडक्ट कैसे बन सकता है कि इन दोनों में आपस में रिएक्शन करा दे। पहले हमने क्या किया था, पहले सिर्फ इसको कराया, सिर्फ इससे कराया तब ये बना, सिर्फ इस मॉलिक्यूल के आपस में रिएक्ट कराया तो ये बना, अब इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं। जैसे मैंने आपको तीसरा केस बताया था ना, कि तीसरा केस क्या हो सकता है, इथेनॉल प्रोपेनॉल आपस में रिएक्ट करे, इथेनॉल उसमें से ऑक्सीजन दे एंड प्रोपेनॉल अल्फा हाइड्रोजन दे, तो देखो अब क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो इथेनॉल है आपका, देखो ये आपका इथेनॉल है, ठीक है, और ये आपका प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल देखो ये आपका कहां गया, प्रोपेनॉल आपका ए था, तो प्रोपेनॉल आपका ए है, ठीक है, ए आपका प्रोपेनॉल है, ठीक है, बस बहुत सिंपल है यार, एक बार आप सीख गए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए आपका प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल के अल्फा हाइड्रोजन ए है, प्रोपेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बन पे है, ए अल्फा कार्बन है, तो इसके तो बस क्या करो, अल्फा हाइड्रोजन आपके ए है तो बस क्या करो, वाटर एलिमिनेट कर दो, वाटर एलिमिनेट कर दो, तो आप आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड, वाटर तो निकल गया, डबल बॉन्ड देखो CH3 CH डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ठीक है, और इस सी से क्या क्या कनेक्ट है, CH3 CHO, तो ये आपका एक और प्रोडक्ट बन गया। और एक केस और पॉसिबल है, चौथा केस क्या पॉसिबल है, कि अब कार्बन क्या करे, अब वाटर जो है, वाटर कैसे रिमूव हो, ऑक्सीजन ए दे और हाइड्रोजन ए दे, तो देखो चौथा केस भी देख लो, चौथा केस भी आराम से बन जाएगा एक बार आप सीख गए हो तो देखो फोर्थ केस क्या होगा, कि अब प्रोपेनल अपना वो दे ऑक्सीजन दे, प्रोपेनल अपना ऑक्सीजन दे एंड इथेनॉल अपना हाइड्रोजन दे, इथेनॉल अपना हाइड्रोजन दे, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो अब इथेनॉल अपना हाइड्रोजन देगा तब अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब देखो अब भी बहुत सिंपल है, बस वाटर एलिमिनेट किया, देखो प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2, देखो CH3 CH2, उसके बाद CH, उसके बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड फिर CH आया, देखो डबल बॉन्ड आया फिर CH आया फिर उसके बाद CHO, उसके बाद CHO, दैट सॉल्व, इसके अलावा एल्डोल रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, इसके अलावा एल्डोल रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, तो इस बात का याद रखना कि आपको कैसे करना है। और इन दो प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, क्रॉस एल्डोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हें क्रॉस आपस में रिएक्शन की, क्रॉस
रिएक्शन हुई। देखो पहले क्या हुआ था, इन दो प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, इनको क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। मतलब जब एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, क्रॉस अटैक कर रहे हैं, क्रॉस रिएक्शंस हो रही हैं, मतलब इससे जब रिएक्ट होकर जब प्रोडक्ट बन रहे हैं जो अपने, उनको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो देखा आपने इसमें चार चार इसमें आपके प्रोडक्ट पॉसिबल थे, तो ऐसे आप चारों प्रोडक्ट बहुत आराम से लिख सकते हो। तो इसी के साथ आपकी पूरी एल्डोल रिएक्शन खत्म होती है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक खत्म होता है। क्लियर है, बहुत सिंपल सी चीज है यार, बहुत आराम। देखो आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई ना, बहुत सिंपल तरीके से कराया मैं बता रहा हूं। 10th क्लास के बच्चों को भी इतना सिंपल साइंस नहीं कराई जाती, इतनी सिंपल साइंस नहीं कराई जाती। आई होप आपको भी देखा हो, जब आप 10th में रहे होगे तो इतनी सिंपल आपको साइंस भी नहीं लगती होगी, ठीक है ना। तो इतने सिंपल तरीके से करा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। देखो कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, थोड़ा सा इससे उल्टा ही होती है। कैनिजारो रिएक्शन में कंडीशन जस्ट इससे उल्टी होती है। देखो एल्डोल रिएक्शन में क्या होता था, कौन रिएक्शन शो करते हैं, जो एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, इसमें क्या शो करते हैं, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो शो करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो वो शो करते हैं एल्डोल रिएक्शन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो शो करते हैं कैनिजारो रिएक्शन। मतलब कैनिजारो रिएक्शन इज गिवन बाय एल्डिहाइड व्हिच डू नॉट हैव ए अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है। रिएजेंट क्या यूज होता है, देखो उसमें हमने लिया था डिलूट NaOH, उसमें क्या लिया था, डिलूट लिए थे, मीडियम कंसंट्रेशन कम थी। इसमें अब हम कंसंट्रेटेड NaOH लेंगे या कंसंट्रेटेड KOH, हीट तो रहेगी, कंसंट्रेटेड KOH, कंसंट्रेटेड NaOH प्लस हीट। तो उधर क्या लिया था, डिलूट, इधर क्या लेंगे, कंसंट्रेटेड। उधर क्या थे, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए थे, इधर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए। तो ये आपका कैनिजारो की दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है, कैनिजारो रिएक्शन में डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन होती है, डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन होती है। डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन याद है कि नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन किया है कि नहीं मेरे से। डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और सेम मॉलिक्यूल ही रिड्यूस भी हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन, उस रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन। तो आपका क्या बनेगा, आप देखो एग्जांपल देखते हैं सीधा। देखो आपका ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। आपका ये देखो फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको, वैसे मिथेनल है, इसकी कॉमन नेम भी काफी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको। तो देखो ये आपका मिथेनल है, ठीक है, तो ये मिथेनल, इसमें कोई अल्फा कार्बन तो लगा नहीं है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो पहली बात तो यस, इट विल शो कैनिजारो रिएक्शन, कि ये कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। कैनिजारो रिएक्शन में और कंसंट्रेटेड चीज यूज होती है, उधर डिलूट यूज होता था, इधर कंसंट्रेटेड। तो पहली बात ये पता लग गया, देख के पता लग गया कि अच्छा इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, और दूसरी बात कंसंट्रेटेड KOH यूज किया है, मतलब कैनिजारो रिएक्शन हो रही है। और आपको पता है कैनिजारो रिएक्शन में डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन शो होती है, मतलब सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होगा, सेम मॉलिक्यूल ही रिड्यूस भी होगा। अब देखो प्रोडक्ट बनेगा कैसे, देखो जब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तब क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट बनेगा। और जब एल्डिहाइड रिड्यूस होता है तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। एल्डिहाइड जब रिड्यूस होता है तो अल्कोहल बनता है, एंड एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे बनता है, एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन इधर KOH के प्रेजेंस के कारण KOH आगे रिएक्ट करके एसिड के साथ उसका सोल्ट बना देता है, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका सोल्ट बन जाता है। तो याद रखेंगे कैनिजारो रिएक्शन में पहली बात अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंस हो, कंसंट्रेटेड चीज यूज होनी चाहिए उसमें, और क्या होता है डिसप्रोपोनेशन रिएक्शन होती है, मतलब सेम मॉलिक्यूल ही ऑक्सीडाइज होगा, सेम मॉलिक्यूल ही रिड्यूस होगा। तो ये मॉलिक्यूल को अगर रिड्यूस करें
अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड को रिड्यूस करें अल्कोहल बनेगा, और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें तो उसका सॉल्ट बनेगा एसिड का। पहली एग्जांपल की बहुत सिंपल एग्जांपल है, तो एल्डोल से तो बहुत सिंपल है, एल्डोल भी बहुत सिंपल कर दी वैसे तो आपके लिए मैंने। तो देखो दूसरी एग्जांपल भी देख लो, बेंजाल्डिहाइड, इसमें भी देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। देखो इधर कोई अल्फा, देखो अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपको पता लग गया पहली बात कैनी जारो रिएक्शन शो करेगा। तो कैनी जारो रिएक्शन शो करेगा क्योंकि ऑल कंसंट्रेटेड NaOH भी है, तो आपको देख के पता लगना चाहिए कि हाँ भाई ये एल्डिहाइड है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंस है और कंसंट्रेटेड NaOH या KOH यूज कर रहे हैं, तो मतलब कैनी जारो रिएक्शन है। आपके माइंड में सिग्नल आना चाहिए, ठीक है ना। तो कैनी जारो रिएक्शन में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, तो जब रिड्यूस होगा तो अल्कोहल बनेगा, और सेम मॉलिक्यूल ही ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट कैनी जारो रिएक्शन, दैट इज ऑल अबाउट कैनी जारो रिएक्शन। आई होप क्लियर है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है ना। अब गाइस दो और चीजें देखो, अब अमाइंस के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो पहली रिएक्शन है आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या है आइसोसाइनाइड टेस्ट? आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या, देखो गाइस आइसोसाइनाइड टेस्ट इज आल्सो नोन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के नाम पर मिलती है, तो इसको लेकिन अपने जेई में ज्यादा अगर आइसोसाइनाइड टेस्ट या नीट में आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जब कभी जेई वर्ड यूज करो तो समझ जाओ नीट के लिए भी बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट ऑल्सो नाउन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, मतलब कि आइसोसाइनाइड टेस्ट को हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं, या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन को ही आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आइसोसाइनाइड टेस्ट देता कौन है, आइसोसाइनाइड टेस्ट देता कौन है, गिवन बाय 1 डिग्री एलिफैटिक और एरोमैटिक अमाइंस। कौन देते हैं, सिर्फ प्राइम, देखो 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री एलिफैटिक और एरोमैटिक अमाइन की 1 डिग्री अमाइंस ही क्या देते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो ए आइसोसाइनाइड टेस्ट गाइस मेथड है ऐसा जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं 1 डिग्री अमाइन को 2 और 3 डिग्री अमाइन से। जैसे अगर अपने अपने पास कोई कंटेनर है, कंटेनर में अपने पास 1 डिग्री अमाइन भी है, 2 डिग्री अमाइन भी है, तो 3 डिग्री अमाइन भी है, तो हम 1 डिग्री अमाइन को निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री अमाइन ही बस क्या शो करते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट शो करते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं शो करते। अब देखो आइसोसाइनाइड टेस्ट में होता क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट में होता क्या है, 1 डिग्री अमाइन, देखो ये 1 डिग्री अमाइन है ना, 1 डिग्री एक आर ग्रुप ही लगा है, तो 1 डिग्री अमाइन इसकी रिएक्शन देखो आइसोसाइनाइड की, 1 डिग्री अमाइन क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ हीट आइसोसाइनाइड बनाता है। ए क्या होता है आइसोसाइनाइड, इसीलिए इसका नाम रखा गया आइसोसाइनाइड टेस्ट। कि आइसोसाइनाइड टेस्ट पहली बात आपको इतना पता कि 1 डिग्री अमाइन के लिए होता है, अब आइसोसाइनाइड नाम रखा मतलब आइसोसाइनाइड बन भी रहा होगा कुछ, तो इसी आप क्लियर कर रख सकते हो कि आइसोसाइनाइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूश 1 डिग्री अमाइन फ्रॉम रेस्ट ऑफ अमाइंस, मतलब 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस, ठीक है ना। एंड 1 डिग्री अमाइन व्हेन रिएक्ट विद, और इसकी रिएक्शन क्या है कि 1 डिग्री अमाइन जब रिएक्ट करता है गाइस क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, तो हमें आइसोसाइनाइड मिलता है जिसकी फॉल स्मेल होती है, फॉल स्मेल होती है, बहुत गंदी सी स्मेल होती है, जिस करके हमें पता लग जाता है कि अच्छा इस मिक्सचर में फॉल, सूंघने से पता लग जाता है स्मेल आ जाती है, तो इसकी फॉल स्मेल होती है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि अच्छा इसमें 1 डिग्री एलिफैटिक या एरोमेटिक अमाइन प्रेजेंट है। तो ए आपका आइसोसाइनाइड टेस्ट होता है, ठीक है, 2 डिग्री अमाइन या 3 डिग्री अमाइन नहीं शो करते टेस्ट, पहली बात क्लियर है। अच्छा देखो क्लोरोफॉर्म और KOH का हमने एक जगह और यूज किया था, कहां यूज किया था, रीमन टीमन रिएक्शन में, याद है फिनोल की रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म KOH प्लस वाटर मतलब H3O पॉजिटिव से कराते हैं तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता था, सॉरी सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिलता था, उस रिएक्शन को हम बोलते थे रीमन टीमन रिएक्शन। तो आपका क्लोरोफॉर्म प्लस KOH कहां कहां यूज हुआ, एक आइसोसाइनाइड टेस्ट में और एक रीमन टीमन रिएक्शन में, क्लियर है।
अब देखो दूसरा टेस्ट भी एक देख लो, एक बात है गाइस, एक रीजेंट होता है हिंसबर्ग रीजेंट। कौन सा रीजेंट? हिंसबर्ग रीजेंट। देखो हिंसबर्ग रीजेंट होता क्या है, देखो ये अपना बेंजीनिंग, बेंजीनिंग के साथ सल्फर लगाओ, सल्फर के ऊपर एस डबल बॉन्ड हो, एस डबल बॉन्ड हो और एक तरफ क्लोरीन। तो देखो ये अपना होता है हिंसबर्ग रीजेंट। आज की डेट में इसको रिप्लेस कर दिया गया है इससे, आज की डेट में इसको भी हिंसबर्ग रीजेंट कहते हैं, लेकिन अपने एनसीईआरटी में अभी तक ये पुराना वाला ही है। लेकिन ए जो है इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, कि मतलब इससे अच्छा काम ए करता है, इससे अच्छा काम ए करता है। तो देखो ये क्या है, बस इधर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। देखो इस ग्रुप में अगर मिथाइल, इस कंपाउंड में अगर मिथाइल ग्रुप लगा दो तो ये बन जाएगा। तो ये बस एक मॉडिफाइड फॉर्म है इसकी, जो आजकल यही यूज होती है, लेकिन अपने एनसीईआरटी में अभी यही है, तो इसी को हम अपनी हिंसबर्ग रीजन कह सकते हैं, लेकिन दोनों ही हिंसबर्ग रीजन की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखो हिंसबर्ग रीजन का काम कहां आता है, ए यूज होता है तो डिस्ट्रीब्यूट 1 degree, 2 degree and 3 degree अमाइन। पहले आइसोसनाइड टेस्ट हमने किया था, उसमें बस 1 degree को ही डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे, 2 degree को, 2-3 degree में तो हम कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं कि ये 2 degree है कि 3 degree, बस 1 degree के बारे में बता पा रहे थे। अब उसके बाद हिंसबर्ग भाई साहब आए तो उन्होंने तीनों को ही डिफरेंशिएट कर दिया। देखो हिंसबर्ग रीजन में क्या होता था, हिंसबर्ग रीजन से क्या होता था, एक टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है 1 degree, 2 degree and 3 degree अमाइन को सेपरेट करने का। देखो हिंसबर्ग रीजन, देखो मैं एनसीईआरटी वाली फॉर्म ले रहा हूं जो कि आपके सिलेबस में ज्यादा है। तो देखो ए अपना 1 degree अमाइन है, ए अपना 1 degree अमाइन है, देखो एक ही मतलब एक ही अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है, तो दो हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है, तो अपना क्या है 1 degree अमाइन। तो देखो गाइस बस इसका प्रोडक्ट कैसे बनाना है, बस क्या करो HCl रिमूव कर दो, क्या करना है HCl रिमूव कर दो, बस ज्वाइन कर दो, सिंपल सा काम ये है। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो हम इसमें से जब HCl रिमूव हो, नाइट्रोजन से एच गया, इधर से सीएल गया, तो HCl रिमूव हुआ, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट लिखना तो बहुत सिंपल है ना, प्रोडक्ट में तो कोई बात ही नहीं है, बस HCl रिमूव कर दो, काम खत्म। HCl रिमूव किया तो प्रोडक्ट ए बन गया। अब जो प्रोडक्ट आपका बना है ये सोल्यूबल है इन अल्कली, अल्कली मतलब अल्कलाइन सोल्यूशन में, मतलब KOH में, NaOH में, इन सब में अल्कलाइन सोल्यूशन है ना, बेसिक सोल्यूशन है NaOH, KOH, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन में ये सोल्यूबल है। क्यों सोल्यूबल है, क्योंकि इसमें ए हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ए हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है, ए हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है। देखो क्यों, क्योंकि जब इधर से माल एसिडिटी कैसे बताते हैं, अब बोलो जनाब, अब पता होना चाहिए एसिडिटी कैसे डिसाइड करते हैं, जब आप एलिमेंट से हाइड्रोजन निकाल दो, एच पॉजिटिव निकाल दो, तब उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी देख लो, तो इधर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जब एच पॉजिटिव निकल जाएगा तो देखो इसका नेगेटिव चार्ज सल्फा, देखो एस डबल बॉन्ड ओ ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना जानता है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, इस करके इस पे एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, जिस करके ए बेस में सोल्यूबल होता है, जिस करके बेस एसिडिक, एसिडिक कंपाउंड बेस में सोल्यूबल हो जाते हैं, तो एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस के कारण इट इज सोल्यूबल इन अल्कीन। मतलब हिंसबर्ग रीजन जब 1 degree अमाइन से रिएक्ट करता है, तब एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो सोल्यूबल होता है अल्कली मीडियम में, ठीक है, क्लियर है। अब देखो 2 degree अमाइन हो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो बस HCl रिमूव कर दो, बस HCl रिमूव कर दो, देखो इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, इसको ये तो स्लांट ही ज्यादा हो गया, तो ए देखो ठीक है, इसमें भी अब HCl रिमूव कर दो, तो आपका प्रोडक्ट ए बन जाएगा, ए आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट बना तो बहुत सिंपल है ना, देखो प्रोडक्ट आपका HCl रिमूव किया तो नाइट्रोजन सल्फर से कनेक्ट हो गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब देखो जो आपका प्रोडक्ट जब 2 degree अमाइन हिंसबर्ग रीजन से रिएक्ट करेगा, तब आपका जो प्रोडक्ट बना वो इनसोल्यूबल इन अल्कली होगा, क्या होगा, इनसोल्यूबल इन अल्कली। क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन मतलब एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, इस करके ए सोल्यूबल नहीं होता अल्कली में, ए सोल्यूबल नहीं होता अल्कली में। और 3 degree जो 3 degree अमाइन है अपना, 3 degree अमाइन में कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, इस करके रिएक्शन ही नहीं होती, तो एक प्रोसेस है,
कि 1 डिग्री अमाइन क्या करता है, रिएक्ट करके जो उसका कंपाउंड जो बनता है सोल्यूबल होता है अल्कली में। जो 2 डिग्री अमाइन है उस रिएक्ट तो करता है लेकिन सोल्यूबल नहीं होता अल्कली में, और जो 3 डिग्री अमाइन है वो रिएक्ट ही नहीं करता। तो एक मतलब देखो तीनों रिएक्शन अलग अलग है ना। देखो 1 डिग्री अमाइन क्या है, सोल्यूबल है अल्कली में, 2 डिग्री अमाइन क्या है, सोल्यूबल इनसोल्यूबल है, और 3 डिग्री अमाइन की तो रिएक्शन ही नहीं होती। तो ऐसे हम 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा मजा आया हो, बहुत ज्यादा सीखने को मिला हो। तो इसी तरह अभी लेक्चर 2-3 और आएंगे, जबरदस्त लेक्चर आएंगे, मजा आएगा, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना बहुत है, सफिशिएंट लेक्चर तैयार हो गया होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ले।